नारी शक्ति हानना पर्व ने विश्व सौ लांबा सांस्कृतिक नृत्य एवं नवरात्रि महोत्सव की चाली रहे उजवनी ने मानवा विविध देश 60 जेटला राजदारी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वडोदरा शहर मेहमान बनया है। तरह महानुभावों वडोदरा एरपोर्ट पर आता परंपरागत गरबा ने ढोलना नाद साथ भव्य स्वागत कर तो आम तो वडोदरा गरबा विश्व प्रसिद्ध है। विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध थी वडोदरा गरबा निहारिया एवं लगभग प्रत्येक नवरात्रि में बने जो कि एक साथ विविध देशों 60 वधु राजद्वारी गरबा निहारे सांस्कृतिक घटना पहलीवार राज्य में बनवा जा रही है। तरह वडोदरा विविध शैक्षणिक संस्थानों में अभ्यास करता विदेशी छात्रों स्वागत मे एरपोर्ट पहुंचा था। विदेश मंत्री आ छात्रों से टूंको संवाद पर साधो तो ज्यादा शैक्षणिक प्रगति ने अभ्यास में रहे सानुकूलता अंगे पृच्छा करी थी। આ પ્રસંગે કાયદા મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, રાજ્ય મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા, સાંસદ રંજન ભટ્ટ, ધારાસભ્ય સીમા મોહિલે, જિલ્લા કલેક્ટર અતુલ ગોર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ સહિતના મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज बहुत गर्व की बात है कि हम जो है गुजरात जो भारत में विदेश के करीब 50 से ज़्यादा राजदूत जो है उनके साथ यहाँ आए हैं। तो ये नवरात्र का समय है तो वो आज यहाँ वडोदरा में दिन बिताएंगे, कल केवड़िया जाएंगे और उनके लिए एक किस्म से ये गुजरात जाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। तो बहुत खुशी से लोग आए हैं तो उनका आज पूरा कार्यक्रम एक तो इस शहर में होगा, शाम को वो कल्चरल प्रोग्राम में भी जाएंगे और हाँ और कल जो है वो वहाँ केवड़िया जाएंगे, केवड़िया का पूरा दौरा करेंगे, एक रात रुकेंगे वहाँ। और आप जानते हैं कि उनमें बहुत उत्साह है क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में कितनी प्रगति हुई है और वो खुद देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके लिए पहला अवसर है गुजरात आने का तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको यहाँ सबसे मिलने और जगह देखने से उनके लिए एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा स्टेट के पास। ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।